एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये विंडोज सिक्योरिटी सीरीज चल रही है हमारी। अभी तक हमने 26 लैब्स को डिस्कस कर लिया है। जो लास्ट की लैब थी वो हमारी पास द हैस अटैक पे थी। तो आज की जो लैब होगी वो थोड़ी डिफरेंट लैब है, जो है डब्ल्यू डाइजेस्ट कैचिंग पे। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन आता है कि डब्ल्यू डाइजेस्ट होता क्या है। तो ये मैं थोड़े से समरी इसकी आपको बता दूं। जो डब्ल्यू डाइजेस्ट है ना, ये एक सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोवाइडर है विंडोज़ में, जिसको हम SSP भी कहते हैं, सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोवाइडर, जो कि यूज़ किया जाता है हैंडल करने के लिए स्टोरेज और रिट्रीवल ऑफ प्लेन टेक्स्ट क्रीडेंशियल्स। ठीक है, किसी भी यूज़र के ऑथेंटिकेशन के लिए। तो अगर हम एक सिंपल डेफिनेशन में इसको समझें, तो डब्ल्यू डाइजेस्ट इज अ सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोवाइडर इन विंडोज दैट इज यूज्ड टू हैंडल द स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ प्लेन टेक्स्ट क्रीडेंशियल्स फॉर यूजर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो एक ये सिंपली डेफिनेशन इसकी ये है कि ये एक सर्विस सपोर्ट प्रोवाइडर, सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोवाइडर है, जो कि यूज़ किया जाता है हैंडल करने के लिए, स्टोर और रिट्रीव करने के लिए प्लेन टेक्स्ट क्रीडेंशियल्स को ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है, और इसको डिजाइन किया गया था टू सपोर्ट करने के लिए हमारे जो सिंगल साइन ऑन सिनेरियोज होते हैं। ठीक है, जो कि अलाउ कराते हैं यूजर्स को टू लॉग इन वंस एंड एक्सेस वेरियस नेटवर्क रिसोर्सेस विदाउट री एंटरिंग देयर क्रेडेंशियल्स। ठीक है, तो ये आपको पता चलेगा जब आपको सिंगल साइन ऑन के बारे में पता होगा। तो अभी मैं इतने डेप्थ में तो जाऊंगा नहीं इस वाली लैब में। तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि क्या होता है डब्ल्यू डाइजेस्ट और क्यों यूज़ किया जाता है। तो आई होप आप अब समझ ही गए होंगे, ये रिट्रीव करने के लिए और स्टोर करने के लिए यूज़ होता है प्लेन टेक्स्ट क्रेडेंशियल्स को ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है, अब क्या है डब्ल्यू डाइजेस्ट कैशिंग, ये क्या चीज़ है? ये क्या होता है, ये प्रोसेस होती है जहाँ पर प्लेन टेक्स्ट जो क्रेडेंशियल्स होते हैं ना हमारे, क्रेडेंशियल्स का मतलब यूज़र नेम और पासवर्ड, जो स्टोर किए जाते हैं हमारे मेमोरी में। ठीक है, और क्यों किए जाते हैं, इनका पर्पज़ क्या होता है, प्रोवाइड करने का सिंगल साइन ऑन फंक्शनलिटी को। ठीक है, तो डब्ल्यू डाइजेस्ट कैशिंग रिफर्स टू द प्रोसेस वेयर प्लेन टेक्स्ट क्रीडेंशियल्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग सिंगल साइन ऑन फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो जब भी अगर हम इसका एक एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको, जब भी कोई यूज़र लॉग इन करता है तो जो उसके क्रीडेंशियल्स होते हैं ना, वो प्रोसेस्ड किए जाते हैं बाय डब्ल्यू डाइजेस्ट SSP। ठीक है, और फिर जो प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड होता है वो होता है कैशे में, मेमोरी में। ठीक है, तो ये क्या करता है ना, ये इनेबल करता है सबसीक्वेंट ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट को। मतलब जब भी वे रिक्वेस्ट होगी, ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट होगी, तो वो यूज करेगा उन कैशे क्रेडेंशियल्स को फॉर ऑटोमेटिक लॉगिन्स। ठीक है, विदाउट प्रॉम्प्टिंग द यूज़र फॉर देयर पासवर्ड अगेन एंड अगेन। मतलब एक बार यूज़र पासवर्ड डालेगा और वो स्टोर हो जाएंगे हमारे कैशे में, और फिर नेक्स्ट टाइम में वो वहाँ से उसको जब भी ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट होगी, तो वो कैशे जो हमारा क्रेडेंशियल्स है जो कैशे में स्टोर्ड है, वहाँ से ऑटोमेटिकली लॉग ले लेगा और लॉग इन हो जाएगा। हमें हमेशा प्रॉम्प्ट आएगा और हमें हमेशा पासवर्ड डालना पड़ेगा, ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। ठीक है, अब क्या होता है,
अगर कोई भी अगर क्रेडेंशियल प्लेन टेक्स्ट में हमारे सिस्टम पे कहीं स्टोर हो रहे होंगे तो एज अ सिक्योरिटी कंसर्न इसके साथ होंगे ही, ठीक है, क्योंकि जो सिक्योरिटी होती है स्टोर्ड क्रेडेंशियल्स की वो हमें रखनी पड़ती है, क्योंकि जब भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो सबसे पहले जो अटैकर होता है वो हमारे क्रेडेंशियल्स और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ही सर्च करता है सिस्टम पे, ठीक है, और वो किसी भी मेथड से कर लेते हैं क्योंकि अटैकर्स होते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा अगर हम स्टोर करेंगे प्लेन पासवर्ड को अपने मेमोरी में, तो ये एक सिक्योरिटी रिस्क है, ठीक है, स्पेशली उन सिनेरियोज में जहां पर अटैकर गेन करेगा एक्सेस, ठीक है, कोई भी सिस्टम पे उसने एक्सेस गेन करा और वो वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकता है मेमोरी के कंटेंट को, ठीक है। तो जैसे किसी अटैकर ने एक्सेस कर लिया मेमोरी, तो वो क्या करेगा, रिट्रीव कर लेगा प्लेन टेक्स्ट क्रेडेंशियल्स को जो भी हमारे स्टोर किए गए होंगे डब्ल्यू डाइजेस्ट में, ठीक है। तो इफ एन अटैकर कैन एक्सेस द मेमोरी दे मे रिट्रीव द प्लेन टेक्स्ट क्रेडेंशियल्स बाय स्टोर्ड बाय डब्ल्यू डाइजेस्ट, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। और जो डब्ल्यू डाइजेस्ट ये जो कैशिंग होती है ये एक्सप्लॉइट की जाती है विद द हेल्प ऑफ पास द टिकट अटैक, ठीक है, जहाँ पर जो अटैकर है वो यूज़ करता है जो कैप्चर किया हुआ टीजीटी होता है हमारा टिकट ग्रांटिंग टिकट, अगर आपने कर्बरोस के पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है, केडीसी का पार्ट होता है एक, तो यूज़ करता है जो टीजीटीज होते हैं ना ऑथेंटिकेट करने के लिए अदर सर्विसेज को। तो इन सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने इन्हेंस किया सिक्योरिटी को और रिकमेंड किया कि ये जो डब्ल्यू डाइजेस्ट है ना फंक्शनलिटी, इसको हम डिसेबल करें, ठीक है। तो जो हमारे रिसेंट जो विंडोज के वर्जन है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट ने कमेंट्स किया है डिसेबल करने का द यूज ऑफ डब्ल्यू डाइजेस्ट, ठीक है। तो ये चीज हमारे अचीव कर सकते हैं हम थ्रू सिक्योरिटी पॉलिसीज सेटिंग के थ्रू, ये अचीव किया जाता है, ठीक है। तो इनेबल और डिसेबल हम कर सकते हैं ये वाली फंक्शनैलिटी। तो ये था एक समरी डब्ल्यू डाइजेस्ट के बारे में, तो चलिए फिर लैब में देखते हैं और लैब करके हमें और क्लियर होगा इसके बारे में। तो डिस्क्रिप्शन जो है वो टास्क इज टू फिंगरप्रिंट द एप्लीकेशन यूजिंग द टूल्स अवेलेबल ऑन द काली मशीन एंड देन एक्सप्लॉयट द मशीन यूजिंग द एप्रोप्रिएट मेटा एक्सप्लॉयट मॉड्यूल देन यूज द डब्ल्यू डाइजेस्ट क्रेडेंशियल कैशिंग पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन मॉड्यूल टू कैप्चर द विंडोज मशीन्स यूजर वैलिड क्रेडेंशियल्स वैलिड पासवर्ड्स, ठीक है। तो हमें एक मॉड्यूल यूज़ करना होगा, पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन मॉड्यूल होगा, तो देखेंगे वो मॉड्यूल क्या करेगा, अभी बताता हूँ आपको आगे जाके। तो जो गोल है हमारा एक्सप्लॉइट द एप्लीकेशन एंड गेट द प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर यूजर यूजिंग द पोस्ट एक्सप्लॉइट मॉड्यूल, ठीक है। एक्सप्लॉइट करनी है एप्लीकेशन और एडमिनिस्ट्रेटर का जो प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड है वो फाइंड आउट करना है हमने उस पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन मॉड्यूल की हेल्प से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी लैब। सबसे पहले टर्मिनल ओपन कर देता हूँ मैं, आज की लैब थोड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ अपना आईपी टारगेट का, तो वो तो इस हमारे फाइल में रहता है, कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, इसको पेस्ट कर लेते हैं जिससे आगे भी यूज़ हो जाए हमारा। तो यहाँ पर आईपी हमें मिल गई है, तो फर्स्ट थिंग क्या होता है, रन एन मैप स्कैन अगेंस्ट द टारगेट आईपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एन मैप। तो आउटपुट आ गया हमारा, वी हैव डिस्कवर्ड दैट मल्टीपल पोर्ट्स आर ओपन। फिर से हम रन करेंगे एन मैप को, डिटरमाइन करेंगे वर्जन इंफॉर्मेशन,
पोर्ट 80 की सर्विस की। तो उसके लिए कमांड जो होती है वो होती है हमारी ये हाइफन पी पोर्ट 80 स्पेस, पेस्ट कर देंगे हम अपना टारगेट का आईपी, देखते हैं कौन सा वर्जन चल रहा है। यहाँ पे पोर्ट 80 पे हमारा फाइल सर्वर है, HTTP फाइल सर्वर, ठीक है 2.3। तो चलिए फिर इसका सर्च कर लेते हैं, एक्सप्लॉइट सिंपल है HFS। तो इतने सारे आपके पास एक्सप्लॉइट अवेलेबल हैं, तो हमने बहुत बार पहले भी किया है HFS पे। तो रेजिटो HFS HTTP फाइल सर्वर 2.3 रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, ठीक हो गया, ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब एक्सप्लॉइट करते हैं टारगेट सर्वर यूजिंग मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क। तो उसके लिए मैं ये क्लियर कर देता हूँ पहले, यहाँ पर MSF कंसोल हाइफन क्यू स्टार्ट करते हैं अपना मेटा एक्सप्लॉइट। तो ये स्टार्ट हो गया है, सर्च कर लेते हैं एक बार एक्सप्लॉइट, देख लेते हैं कि क्या है। एक्सप्लॉइट स्लैश विंडोज स्लैश HTTP रेजिटो HFS अंडरस्कोर, ठीक है लोड कर लेता हूँ इसको मैं। एक्सप्लॉइट विंडोज HTTP रेजिटो HFS, ठीक है ये रन कर दिया हमने, लोड हो गया हमारा। तो अब हम देख लेते हैं एक बार, शो ऑप्शंस देखता हूँ मैं। सबसे पहले इसमें रिक्वायर्ड जो फील्ड है वो आर होस्ट है, और तो कुछ दिख नहीं रहा है इसमें मुझे रिक्वायर्ड फील्ड। रिक्वायर्ड फील्ड जो भी है सारे फिल ही है, ठीक है चलिए फिर सेट कर देता हूँ मैं खाली आर होस्ट स्पेस। आई थिंक मेरा कॉपी होगा आईपी, हाँ कॉपी है। तो ये सेट कर दिया हमने आर होस्ट, देख भी लेते हैं एक बार हुआ नहीं हुआ करके, ये हो गया देखो, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है एक्सप्लॉइट करने का, देख लेते हैं एक बार सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं हो पाता है। ठीक है, वी हैव सक्सेसफुली एक्सप्लॉइटेड द टारगेट वल्नरेबल एप्लीकेशन दैट इज HFS एंड रिसीव द मेटापेटा शेल। तो आ गया हमारे पास शेल, अब क्या करना है, अब हमें रन करना है डब्लू डाइजेस्ट पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन मॉड्यूल को, ठीक है। चेंज करने के लिए या तो ऐड करने के लिए कह सकते हो आप यूज लॉग ऑन क्रेडेंशियल्स को, ठीक है। तो इसका क्या होता है, जो इसमें डी वर्ल्ड करके डिनोट किया जाता है इसे, उसकी वैल्यू हमको वन करनी है, वन माने इनेबल। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि बाय डिफॉल्ट विंडोज़ ने रिकमेंड किया है इसकी वैल्यू को जीरो रखना, डिसेबल रखना, पर इसको हमें चेंज करना पड़ेगा तब जाके हमें मिल पाएंगे, ठीक है। जो मैंने शुरुआत में पूरी कहानी बताई थी इसकी, उसके लिए हमें इसको इनेबल करना पड़ेगा, उस वही इनेबल करने के लिए हम ये एक्सप्लॉयटेशन मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो मेथड है जो मैंने आपको बताया था विंडोज़ 8 हो गया 2012 और हायर जो भी इसके वर्जन है ना, जो डाइजेस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है वो डिसेबल्ड होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो ये जो मॉड्यूल है ये इनेबल कर सकता है, अगर इनेबल हो डिसेबल हुआ तो इनेबल कर देगा, इनेबल हुआ तो डिसेबल कर देगा, ठीक है। क्रेडेंशियल कैशिंग को बाय एडिंग एंड चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द यूजर लॉग ऑन क्रेडेंशियल डी वर्ल्ड, जो कि होता है हमारे डब्ल्यू डाइजेस्ट प्रोवाइडर रजिस्ट्री की में, ठीक है। तो ये अगर बताता रहा तो मैं, ये बहुत डेप्थ में चले जाएंगे हम और लैब हमारी अननेसेसरी बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए फिर इसको करते हैं, रन करते हैं इस पोस्ट मॉड्यूल को।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मैं बैकग्राउंड में डाल देता हूँ। बैकग्राउंड में डाल दिया, रन करते हैं हम POST पोस्ट। ठीक है, तो बैकग्राउंड में डालने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं वापस मेटाप्लॉट में भी चला सकता हूँ उसको। वापस आ गए, रन पोस्ट स्लैश विंडोज मैनेज, ये हमने क्या है हमारा डब्लू डाइजेस्ट ना, डब्लू डाइजेस्ट अंडरस्कोर कैशिंग, टैब मार के आ गया मेरा ये डब्लू डाइजेस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इनेबल्ड, जो मैं देखो ये कह रहा था ना, यूजर लॉग ऑन क्रीडेंशियल डी वर्ड वैल्यू एस ए हो गई, वन हो गई, सॉरी ए कहा मैंने, वन हो गई। ठीक है, और डब्ल्यू डाइजेस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इनेबल्ड, तो हमारा जो पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो था हमारा वो सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम रिबूट करूँगा मैं मशीन को टू मेक द रजिस्ट्री इफेक्टिव। जब भी हम कोई रजिस्ट्री में चेंज करते हैं ना, तो हमें रिबूट करना पड़ता है, जिससे जो चेंजेस हैं, हमने जो चेंजेस परफॉर्म किए हैं, वो इफेक्टिव हो सके। ठीक है, रीस्टार्ट करना जैसे कहते हैं उसे हम, तो इसको मैं रिबूट करता हूँ। तो रिबूट यहाँ पर लिख देते हैं, रिबूट, एंटर मारता हूँ मैं। फिर से हम इसको एक्सप्लॉइट करेंगे, री एक्सप्लॉइट करेंगे हम टारगेट मशीन को, जो हमारी HFS एप्लीकेशन है। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगाते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं इसको, हो रहा होगा ये। ठीक है, चलो ये फिर वापस हम उसमें आ गए हैं, फिर से हम री एक्सप्लॉइट करते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यूज़ करते हैं एक्सप्लॉइट विंडोज़ HTTP, वही रिजिटो वाला करना है हमने, तो रजिस्टो ये कर दिया हमने, सेट करना था हमने इसमें आर होस्ट को, पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, कॉपी होगा शायद मेरे पास IP। ठीक है, ये पेस्ट कर दी, फिर से एक्सप्लॉइट करते हैं इसको हम। तो फिर से हमें मेटाडेटा सेशन मिल गया। अब क्या करेंगे, लोड करेंगे हम कीवी एक्सटेंशन को। ठीक है, और क्यों करेंगे, जैसे मैंने बताया मिमिकेट्स है ना, तो मिमिकेट्स के हेल्प से हम प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड को डम करेंगे। ठीक है, तो लोड करेंगे कीवी एक्सटेंशन टू गेट द प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड ऑफ द टारगेट मशीन। तो उसके लिए जो कमांड होती है वो होती है लोड कीवी, लोड कीवी, मैंने अपनी बहुत वीडियोस में करा है इसे। तो ये हो गया हमारा सक्सेसफुल लोडेड। अब क्या करेंगे, हम माइग्रेट करता हूँ मैं पहले, तो माइग्रेट हाइफन एन स्पेस एलसास डॉट exe में कर देते हैं, डॉट ई एक्स ई, परमानेंट प्रोसेसेस होती हैं ये विंडोज़ की, एक्सप्लोरर डॉट ई एक्स ई, एलसास डॉट ई एक्स ई, ये सारी। ठीक है, तो ये हो गया, तो माइग्रेशन भी हो गया। तो अब मैं करता हूँ डम्प करता हूँ सारे क्रीडेंशियल्स को, जिसके लिए ये मिमिकेट्स यूज़ होता है। तो उसके लिए क्या होता है, क्रैच अंडरस्कोर ऑल एंटर। तो ये देखिए, ये मिल गया आपको प्लेन टेक्स्ट पे पासवर्ड। ठीक है, और यही हमारा फ्लैग भी था। अगर मैं देखूं अपना ये जो नोटपैड है,
उसमें हमारा गोल जो था वो था एक्सप्लॉइट द एप्लीकेशन एंड गेट द प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर यूजर यूजिंग द पोस्ट एक्सप्लॉइट मॉड्यूल। तो जो हमारा पासवर्ड है प्लेन टेक्स्ट में वो पासवर्ड 1 है जो कि हमारा फ्लैग है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डब्ल्यू डाइजेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप आज आपने कुछ नया सीखा हो डब्ल्यू डाइजेस्ट के बारे में। तो ये वीडियो मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।